डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे आफियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रादर थ्रू लाइट ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड इट इज वेरियस स्टेज डियर स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लैक्चर्स वी डिसड द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स द टाइप्स क्लासिफिकेशन एंड द रिसोर्स डेवलपमेंट In today's topic, we are going to discuss resource planning and its various stages. Dear students, resource planning simply means a technique or a skill of proper utilization of resources. Resource, as you know, means vassail. And keep proper utilization. hum resource planning. Dear students, you all know that.

झारखंड झारखंड की स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की दीज आर द स्टेट्स व्हिच आर फुल ऑफ मिनरल्स कोल डिपॉजिट्स एंड देयर आर सम स्टेट्स इन इंडिया फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स मजर राजस्थान देयर इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख Recently created after abrogation of Article 370 in J&K, uh, there is a state uh, Arunachal Pradesh. These lack us some vital resources. अगर हम राज राजस्थान की बात करते हैं, it is full of uh, solar and wind energy, but it lacks in water resources. अगर हम लद्दाख की बात करते हैं It is relatively isolated from the rest of India. It has very rich cultural heritage, but it lacks infrastructural and and some vital resources. So dear students, in order to call for balanced resource planning at the national, state or regional level, we must adopt, we must go for Proper resource planning. Dear students, now we will discuss the stages in resource planning. Resource planning, as you know, it is comprised of three stages. Resource planning, Tari Bacho, Tari Learners, it is comprised of three stages. First stage preparation of inventory of resources. Preparation of inventory of एट दिस स्टेज सर्वे इज डन बाय द एक्सपर्ट लाइक जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू लोकेट द रिसोर्स दिस इज फॉलोड बाई मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ करेक्टर रिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्स डियर स्टूडेंट पहले स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो इस स्टेज में हम हम पहले सर्वे करते हैं इन इन मोस्ट पार्टस आफ दंट्री वहां हम थ्रू बाई अन एक्सपोर्ट अडी डेट इज जोलजिकल सरवे ऑफ इंडिया जी एस आय शाट फार्म है कह सकते हैं त्रो बाई दिस बॉडी वे सरवे अवर द एरियाज इडर टू फाइंड आउट द रोर्स दिस इन दिस स्टेज वी हम मैपिंग भी करते हैं मेजरमेंट ऑफरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट एज वेल मेजरमेंट भी करते हैं इन दिस स्टेज इतना ही नहीं डर स्टूडेंट इट इज फालोड बाई दिस स्टेज इज फॉलोड बाई द सेकेंड स्टेज दट इज availability in terms of uh, evaluation sorry in terms of availability for development at this stage dear students actual resources can be mined based on available technology economy and needs are determined dear students okay. इस स्टेज में पहले स्टेज में हम सिंपली सर्वे करते हैं सेकंड स्टेज में हम आ, हम ये इस चीज का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास कि कौन के कौन सी कैसी टेक्नोलॉजी है बाय दैट वी कैन डिग आउट द रिसोर्स इन दिस इन द सेकंड स्टेज हम अपनी इकानमी को भी मद नज़र रखते हैं हम अपने डिमांड्स को भी मद नज़र रखते हैं दिस स्टेज दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी इन टर्मज ऑफ अवेलेबिलिटी वेलेशन इन ऑफ एवेलबलिटी फॉर डेवलपमेंट थर्ड स्टेज जब हम uh, तकमीना लगाते हैं कि हमारे हम हमें कितना जरूरत है हमें कितना यूज करना चाहिए तो थर्ड स्टेज दैट इज द लास्ट स्टेज इन रिसोर्च पलानिंग पलानिंग फॉर द एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्स एट दिस स्टेज एफिशेंट

अपनी डिमांड्स अपनी इकानमी को मद्देनजर रखते हैं कि हमें कितना निकालना है कितना फ्यूचर के लिए रखना है थर्ड स्टेज में हम हम एक्शन और हम अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर डिगिंग आउट द रिसोर्सेज शेयर वी गो फॉर एक्शन हम यहां एक्सट्रैक्ट um, करते हैं दिस स्टेज इज कॉल्ड थर्ड स्टेज कॉल्ड एक्शन ऑरटेड प्लानिंग यहाँ हम मिनरल को डिग आउट करते हैं कीपिंग इन कंसिडरेशन द फ्यूचर नीड्स दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एक्शन ऑरटेड प्लानिंग डियर स्टूडेंट आई होप यू हैव इन्जॉयड इट आई विश ऑल द बेस्ट थैंक्स हैवे नाइज डे